नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों अपडेट है राफेल के बारे में। राफेल का फर्स्ट बैच जो है वो भारत पहुंचने वाला है, तो कितने जेट्स आ रहे हैं इस फर्स्ट बैच में और कब आ रहे हैं ये राफेल जेट्स, क्या कोविड की वजह से इसमें कोई डिले होगी और भारत चीन विवाद के बीच ये कितना फ़ायदा हमें देंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों राफेल जेट्स का फर्स्ट बैच पहुंच रहा है इसी जुलाई एंड तक, और फर्स्ट बैच जो है इनका वो इंडियन एयर फोर्स के गोल्डन एरोज स्क्वाडन ऑफ फाइटर जेट्स को ज्वाइन करेगा। और दोस्तों कितने जेट्स आने वाले हैं इस फर्स्ट बैच में ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या इसकी डिलीवरी में पैंडेमिक के चलते कोई देरी होगी। तो रिसेंटली भारत में फ्रांस के एम्बेसडर इमैनुअल लिनेन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि राफेल्स की डिलीवरी में पैंडेमिक के चलते कोई देरी नहीं होगी, और यही बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी भी कई बार कह चुके हैं। तो जो फर्स्ट बैच आ रहा है उसमें होने वाले हैं 4 राफेल फाइटर्स, जो कि जुलाई एंड तक इंडियन एयर फोर्स को डिलीवर हो जाएंगे। दोस्तों ये चारों जेट्स फ्लाइट रेडी होने के साथ साथ कॉम्बैट रेडी भी होंगे, यानी कि इन्हें डिलीवरी के तुरंत बाद से ही कॉम्बैट के लिए तैनात किया जा सकेगा। दोस्तों इसमें MBDA के द्वारा डेवलप की गई घातक एयर टू एयर BVR मिसाइल मेटियोर लगी होगी। दोस्तों मेटियोर एक एक्टिव रडार गाइडेड BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। मेटियोर मल्टी शॉट का एक घातक फीचर रखती है, लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग टारगेट्स के अगेंस्ट और UAV के अगेंस्ट और क्रूज मिसाइल के भी अगेंस्ट। इसके अलावा इसमें राफेल में अस्त्र MK1 और डर्बी मिसाइल जैसी घातक BVRs का भी इंटीग्रेशन हो सकता है। दोस्तों अस्त्र MK1 एक इंडिजीनियस मिसाइल है जिसका Mk2 वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है। तो राफेल कॉम्बैट रेडी होंगे और इनके लिए इंडियन पायलट्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है। जो 4 राफेल्स भारत आ रहे हैं फर्स्ट बैच के अंदर वो लैंड करेंगे अम्बाला एयरबेस पर, और इन 4 राफेल्स में से 3 राफेल्स होंगे ट्विन सीटर और 1 होगा सिंगल सीटर जेट। दोस्तों राफेल के सेकंड बैच की बात करें तो सेकंड बैच लैंड करेगा और वेस्ट बंगाल के हशीमारा एयरबेस पर। फेल जेट्स इक्विप्ड है दोस्तों AESA रडार से और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से। अब सेकंड बैच की बात करें तो सेकंड बैच की तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है, सेकंड बैच इन फर्स्ट बैच के 3 से 4 महीने बाद लैंड कर सकेगा। और ये राफेल AESA रडार से जैसे कि मैंने बताया इक्विप्ड है और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से, और राफेल पावर्ड है दोस्तों स्नैकमा M88 इंजन से, और ये इंजन इसे 1912 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करने की क्षमता देते हैं। दोस्तों इसमें इंडिया जो स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट करेगा वो होंगे रेडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 आवर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, दोस्तों इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस फर्स्ट बैच का मतलब कि पहले 4 फाइटर्स को यहाँ पर तैनात किया जाएगा, और ये कहाँ पर तैनात होने वाले हैं इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों अगर आप भी जानते हैं कि राफेल का फर्स्ट बैच कहाँ पर तैनात किया जाएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका इशारा एक LAC पर जो बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ पर इसे तैनात किया जाएगा, और किस देश के विरुद्ध तैनात किया जाएगा ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।